चंद्र कुमार जो कि केवल 20 वर्ष के हैं और ये स्पेन के रेफरी पांच जजों काफी दारोमदार रहता है। ये हैं वो पांच जज वर्कर जिम्नाजियम हॉल बीजिंग और ये ओलंपिक के अंतर्गत 51 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला और भारतीय मुक्केबाज सामने से ही देखिए अपने कोच गुरबख्श के साथ जितेंद्र कुमार आ रहे हैं रिंग के लिए। जितेंद्र कुमार जिनके साथी अखिल कुमार ने अपनी बाउट वर्ल्ड चैंपियन को हरा कर जीती थी, यहां दर्शकों ने स्वागत किया उनका क्योंकि इस जितेंद्र कुमार में झलक उनको उसी अखिल कुमार की मिल रही है जिसने शिकस्त दी थी कल अखिल कुमार। फिलहाल उज्बेकिस्तान के बॉक्सर तुलाशबाय दुनियोरोव जो कि 27 वर्षीय है, हाइट का इनको अच्छा एडवांटेज है, काफी मजबूत है और जितेंद्र कुमार को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा अगर उनके खिलाफ मुकाबला जीतना है। कोच तो मालूम है कि भारतीय बॉक्सर जितेंद्र कुमार है जो नीली टी शर्ट में ये देखिए अपने कोच संधू जी के साथ आया, इन्होंने पहले मुकाबले में मेमिस को टर्की के उसको तीसरे राउंड तक धराशायी कर दिया था, वो मुकाबला रोकना पड़ा था जिसमें किस एक से ये आगे थे। तुलाशबाय जो उन्होंने अपना मुकाबला जीता था कीनिया के नागुम्बा को 10-1 से हराकर और 2004 के ये जो एथेंस ओलंपिक हुए थे उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। तो भारत के जितेंद्र कुमार जो कि नीली टी शर्ट में है स्पेन के रेफरी मुकाबला पहला राउंड का वर्कर जिम्नेजियम हॉल बीजिंग में शुरू में ही अटैक करने की कोशिश की तुलाशबाय ने, उज्बेकिस्तान के अच्छा बचाव किया जितेंद्र कुमार ने। जितेंद्र जिनके डिफेंस और अटैक दोनों ही अच्छा है क्योंकि हाइट का उनका एडवांटेज कम है, उनको बॉडी पे भी पंच देने होंगे। पहला अंक मिला भारतीय बॉक्सर जितेंद्र कुमार को, खाता खोला उन्होंने और फिर कोशिश की थी लेकिन वापस उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने पंच करने की कोशिश की थी लेकिन फिलहाल जो पंच किए उसमें जितेंद्र कुमार 2-0 से आगे हैं। इस राउंड के अंदर एग्रेसिव हुए थे तुलाशबाय और खामियाना उनको भुगतना पड़ा भारतीय बॉक्सर जितेंद्र कुमार के खिलाफ। यहां वर्कर जिम्नेजियम इंडोर हॉल स्पेन के रेफरी और कुछ जो हेलमेट लगाया हुआ है उसमें थोड़ा ढीला हुआ था, स्पेन के रेफरी काफी चौगने काफी सजग, उन्होंने कहा कि उसको ठीक कीजिए और ये फिर कोशिश की थी जितेंद्र कुमार ने, तेज बाहर किया था फिर बाहर किया लेकिन जहां भारतीय बॉक्सर को एक अंक मिला वहां उज्बेक बॉक्सर ने भी एक अंक जुटाया। तो काफी अग्रेसिव जितेंद्र कुमार, जोशो खरोश उनके काफी साथ है। ये बॉक्सर ने काफी मेहनत की है यहां आने के लिए ओलंपिक में, मुकाबला तुलाशबाय उज्बेकिस्तान के, तो काफी दमखम बचा के भी रखना होता है क्योंकि चार राउंड इस मुकाबले के अंदर उसी दमखम से रहना और अंक बटोरते रहना और अंक खोना नहीं, ये एक खासियत एक मुक्केबाज की होनी चाहिए। फिलहाल कोशिश की थी जितेंद्र ने, जितेंद्र उस बेग के बॉक्सर तुलाशबाय कोशिश तो कर रहे हैं पर डिफेंस काफी मजबूत है जितेंद्र कुमार की, इसलिए आसानी नहीं होगी उनको पंच देने में, चाहे वो दायां हो या बाएं दोनों उनके पंच मशहूर हैं उज्बेक बॉक्सर की, पर भारतीय बॉक्सर की जो डिफेंस है उसकी वजह से वो अंक भी जुटा रहे हैं अपने पंच से। 4-1 से आगे जितेंद्र कुमार 51 किलोग्राम वर्ग, यहाँ वर्कर जिम्नाजियम, जब भी भारतीय मुक्केबाज जितेंद्र कोई अंक जुटाता है तो तालियों की गड़गड़ाहट उनको मुबारकबाद देती है और पहले राउंड में भारतीय मुक्केबाज 4-1 से आगे। कोच संधू
कुमार, ये देखिए पहला, ये कितना अच्छा पंच दिया था अपने बाएं से, अटैक बहुत अच्छा है। फिर दूसरा देखिए कितनी अच्छी जगह उन्होंने बिल्कुल मुंह पे पंच दिया, ये दर्शाता है कि कितने क्विक उनके पंच हैं, कितने तेज गति के पंच हैं। क्योंकि तुलाज भाई जिनकी कहते हैं कि बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं, वो उनके पंचों को डिफेंस नहीं कर पाए, उसकी से अपनी हिफाजत नहीं कर पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। कोच तैयार कर रहे हैं तुलाज भाई को दूसरे राउंड की शुरुआत वर्कर्स जिम्नेशियम हॉल में, और ये शुरू भारतीय मुक्केबाज ब्लू टी शर्ट में, नीली टी शर्ट में जितेंद्र कुमार, कोशिश की थी जितेंद्र ने पर डिफेंस किया तुलाज भाई ने उज्बेकिस्तान की बॉक्सर। तो मिश्रण है दोनों ही बॉक्सरों के पास, डिफेंस और अटैक अच्छा है। दो बार कोशिश की थी जितेंद्र कुमार ने पर वो हवा में साबित हुई क्योंकि उससे अच्छा बचाव किया था तुलाज भाई ने, उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने। रिंग के चारों तरफ जाने की कोशिश जितेंद्र कुमार की जिससे कि थोड़ा थकाया भी जा सके, और ये मिश्रण कुश्ती का भी थोड़ी सी चेतावनी दी जितेंद्र कुमार, काफी जोश खरोश में काफी चौकन्ना रहना होगा एक एक अंक के लिए। फिर कोशिश की लेकिन पंच थोड़ा साइड में से गया, इसलिए अंक नहीं मिले। यहाँ पांच जज होते हैं और इन पांच जजों में से तीन जज जिसके हक में फैसला करते हैं पंच पे, उसको अंक मिलते हैं। फिलहाल लगता है कि दोनों जो पांच जज हैं सबके जो हैं जेब के अंदर हैं। भारत 4-1 से आगे दूसरा राउंड चल रहा है, जितेंद्र कुमार और तुलाज भाई उज्बेकिस्तान के। जितेंद्र नीले टी शर्ट में रिंग के चारों ओर, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, उन्होंने प्रहार करने की भी कोशिश की थी पर फिर डिफेंस उज्बेक बॉक्सर तुलाज भाई का बेहतर रहा। तो अब रणनीति और दिमाग पूरा इस्तेमाल कर रहा है ये नौजवान 20 वर्षीय बॉक्सर जितेंद्र कुमार। एक अंक और मिला उनको, बिल्कुल इस मुक्केबाजी में ताकत के साथ साथ दिमाग और चतुराई की भी जरूरत होती है, उसका भरपूर इस्तेमाल ये युवा बॉक्सर जितेंद्र कुमार कर रहा है। कदमों का इस्तेमाल सही कर रहा है, रिंग के चारों ओर ले जाके थकाने की कोशिश, और या फिर दर्शक देख रहे हैं मिश्रण मुक्केबाजी के अंदर रेसलिंग का भी, और मेरे आसपास जो कमेंटेटर हैं वो भी काफी खुश इस मुकाबले से। तो दूसरे राउंड में 5-1 की बढ़त भारतीय मुक्केबाज जितेंद्र कुमार के पास। अखिल कुमार ने वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त दी थी और फॉलो करने की कोशिश जितेंद्र कुमार। तो ये दूसरा राउंड समाप्त, और दूसरे राउंड में 5-1 की बढ़त जितेंद्र कुमार को। तो एक अंक मिला इस राउंड में, तो तुलाज भाई ने अच्छा डिफेंस किया, कोशिश जो जितेंद्र कुमार ने 3-4 की थी वो थोड़ा हवा में भी गई। काफी दमखम बचा के रखना होगा तो राउंड के लिए वो संधू पूरी तरह रिवाइव करते हैं, जिनको जो एक मिनट मिलता है उसके अंदर फिर तरोताजा हो जाए। मुक्केबाजी एक जबरदस्त ताकत स्किल काफी कुछ चाहिए होता है इसके अंदर, और ये तुलाश भाई काफी सोच रहे हैं इरादे क्या लेके आए थे, लेकिन दूसरी तरफ मोड़ दिया उसे भारतीय मुक्केबाज ने दूसरे राउंड तक। तीसरा राउंड वर्कर्स जिम्नेशियम हॉल बीजिंग में शुरू, राउंड 3, और कोच उज्बेकिस्तान के, उन्होंने बताया थोड़ा चेक करने पर पहला अंक खोया उज्बेक कोच ने, और भारतीय बॉक्सर 6-1 से आगे हो गया। और ऐसा लग रहा है कि ये उज्बेक बॉक्सर अपने आप को रिवाइव करने के लिए, थोड़ा सा विश्राम देने के लिए, उनकी रणनीति का हिस्सा है वो जो गिरते हैं मुश्किल हो रही है। 8 अंक हो गए भारतीय मुक्केबाज के, कोशिश की थी और अब जाके 2 पे पहुंचे उज्बेक के तुलाश भाई,
और भारतीय मुक्केबाज जितेंद्र कुमार जो नीली टी शर्ट में है, चारों तरफ से कोशिश करते उन्होंने बॉडी पे पंच करने की कोशिश की, क्योंकि हाइट थोड़ी कम है इसलिए बॉडी पे उनके पंच करने आसान होते हैं, उसमें भी अंक मिलते हैं। फिर कोशिश की लगातार मुसलसल, लेकिन इस बार उसने कोच मुक्केबाज ने जो कोशिश की थी उसको अच्छा डिफेंस किया भारतीय मुक्केबाज जितेंद्र ने। फाउल नहीं करें जितेंद्र, दोनों को कहा स्पेनिश रेफरी ने। और ये उज़्बेक कोच ने जितेंद्र को एक तरह से रेसलिंग के अंदाज में धकेलने की कोशिश की, पर जितेंद्र उनकी रणनीति में फंस नहीं रहे हैं, उलझा रहे हैं उन्हें खुद। और तीसरे राउंड में जो कि एक तरह से काफी मुश्किल भरा होता है, 8-2 की बढ़त है भारतीय मुक्केबाज के पास और एक अंक और मिला 9-2 से आगे। जितेंद्र कुमार नीली टी शर्ट में, ये देखिए अपने कदमों को इस्तेमाल कर रहे हैं और तुलाश भाई बेबस से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो इधर उधर नचा के और अपनी अच्छी डिफेंस और बीच बीच में अटैक करके जितेंद्र कुमार ये देखिए हवा में पायल और बहुत अच्छी कोशिश जितेंद्र ने की, बॉडी पे जो उनके पल्स किया उसको उनको एक अंक मिला और उज़्बेक बॉक्सर को वार्निंग दी, चेतावनी दी स्पेनिश रेफरी ने। 2 पे अटके हुए हैं भारतीय मुक्केबाज, 10 पे पहुंच गए हैं और 11 बेहतरीन प्रदर्शन जितेंद्र कुमार का। वर्कर जिम्नाजियम हॉल ये मानता हुआ कि जितेंद्र कुमार वाकई बेहतर मुक्केबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर रुका मुकाबला, हेलमेट जूझता हुआ और हेलमेट भी ढीला हुआ है और उनकी मुक्केबाजी को भी काफी ढीला साबित किया है अभी तक भारतीय मुक्केबाज जितेंद्र कुमार ने। वर्कर जिम्नाजियम हॉल बीजिंग ओलंपिक के अंतर्गत 51 किलोग्राम वर्ग में कोशिश की थी वहां पर और एक अंक मिला उज़्बेक के बॉक्सर को, पर स्पेनिश रेफरी ने थोड़ा चेतावनी भी दी, काफी सजग रहना होगा। और ये तीसरे राउंड तक भारतीय मुक्केबाज 11-4 से आगे है। तो ये तीसरे राउंड में जहां जितेंद्र ने 6 अंक झटके वहीं तुलाश भाई को 3 अंक मिले। तो इस तरह ये रहा तीसरा राउंड जिसमें दोनों ने काफी एक दूसरे पे पंच किए और ये देखिए जब डिफेंस मजबूत हुआ जितेंद्र का तो झुंझुना के तुलाश भाई ने उनको नीचे गिराया, जिससे कि फिर मुकाबला शुरू होने के लिए वो वापस रिंग में आए। ये फ्रस्ट्रेशन, ये झुंझुनाहट तुलाश भाई की दर्शाती थी तीसरे राउंड के अंदर काफी मुश्किल में है। और चौथे राउंड की तैयारी के लिए ये देखिए थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा है, खून भी निकल रहा है ठोड़ी के अंदर जितेंद्र कुमार के। तो ये चौथा राउंड वर्कर जिम्नाजियम हॉल बीजिंग में और पूरी कोशिश उज़्बेक बॉक्सर अटैक करके करेगा, लेकिन यहाँ पे भारतीय मुक्केबाज जितेंद्र कुमार को अपने हर वो दांव को आजमाना होगा उनके अटैक से बचने के लिए, क्योंकि काफी अटैकिंग है तुलाश भाई और वो चौथे राउंड में कोशिश करेंगे। तो डिफेंस काफी बेहतर रखना होगा जितेंद्र कुमार को, क्योंकि फिलहाल अंक जहां तक अंकों का प्रश्न है काफी अच्छी बढ़त उनके पास है। नीली टी शर्ट में भारत के जितेंद्र कुमार वर्कर जिम्नेजियम हॉल में फिर परिक्रमा करते हुए रिंग में, ये ऐसा साबित होता है कि तुलाश भाई अगर मुक्केबाजी के साथ साथ रेसलिंग शुरू कर दें तो वहां उनको एडवांटेज होगा। स्पेनिश रेफरी बार बार चेतावनी दे रहे, 6 पे पहुंच गए उज़्बेक के मुक्केबाज, कोशिश करनी चाहिए। जितेंद्र ने कोशिश की, अच्छा पंच किया, एक अंक और मिला उनको, 12-6 की बढ़त उनके पास। चौथा राउंड, इस राउंड में अंक बटोरने के साथ साथ अपना डिफेंस भी बेहतर रखना होगा जितेंद्र कुमार। तो इस बार नीचे गिरे तुलाश भाई उज़्बेक मुक्केबाज, कोशिश की लेकिन बेहतरीन बचाव जितेंद्र कुमार का, अपने आप को हटा लिया, बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस का परिचय दिया और नीचे गिरे थे तुलाश भाई और फिर कोशिश की पंच उसके, अगर फिर झुंझुलाहट वहां उज़्बेक
बॉक्सर तुलाशबाय दुनियारोव की बेहतर प्रदर्शन, जितेंद्र का अपने सामने वाले को इरिटेट कर रहे हैं, झुंझलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिससे उनका कंसंट्रेशन बिगड़े उस बेग मुक्केबाज का। इससे साबित होता है जितेंद्र कुमार काफी दिमाग से इस बाउट को लड़ रहे हैं, जहां उन्होंने अच्छे पंच किए वहीं अच्छे बचाव भी किए, तो बहुत समयताम कोशिश की जितेंद्र ने पंच करने की और अंक जुटाने की और पीट रहा है और एक अंक और मिला भारतीय बॉक्सर जितेंद्र कुमार को। ये देखिए कितने शानदार तरीके से पंच किया था लेकिन बचाया, और अगर पंच होता तो अच्छे अंक मिल जाते जितेंद्र कुमार को। उस बिग बॉक्सर में काफी जगह जितेंद्र के पंचों से अपने आप को बचाया है, अन्यथा काफी आगे होते हैं जितेंद्र कुमार। वक्त बहुत कम, भारतीय बॉक्सर जितेंद्र कुमार की मंजिल लगभग करीब पहुंचती हुई अखिल कुमार भारतीय मुक्केबाज पहले ही कल वर्ल्ड चैंपियन को धराशायी कर चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जितेंद्र कुमार वक्कम तुलाशबाई के पास अब 3 सेकंड्स में क्या कर पाएंगे, वो 13-6 से पिछड़ रहे हैं तुलाशबाई और भारतीय मुक्केबाज 13-6 से आगे। वर्कर जिम्नाजियम हॉल और यहां मुकाबला चौथे राउंड का समाप्त और इस तरह भारतीय मुक्केबाज चौथे राउंड में 13-6 से आगे। इसमें बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, दोनों ही मुक्केबाजों ने 2-2 अंक हासिल किए और इसमें कोशिश की थी इस मुक्केबाज तुलाशबाई, जिसको यहां काफी लोगों ने एक बार कहा था कि फेवरेट है, लेकिन फिर गलत साबित किया भारतीय मुक्केबाजों ने कल अखिल कुमार ने, तो आज उनके साथी जितेंद्र कुमार ने। और इस तुलाशबाई जो कि उज़्बेकिस्तान का है, एथेंस ओलंपिक में भी भाग ले चुका है, उसको शिकस्त देने में कामयाब हुए अंकों के स्पेनिश रेफरी। और भारत के जितेंद्र कुमार विजय घोषित, जाहिर सी बात है 13-6 से ये मुकाबला जीता विनर बाय पॉइंट। तो जितेंद्र कुमार ने बहुत ही अच्छा मुकाबला पेश किया, अपने पंचेज अच्छे दिखाए, अपने डिफेंस अच्छे दिखाई, अपने रिफ्लेक्सेस अच्छे दिखाई और कुल मिला के एक हरपन वाला मुक्केबाज साबित हुए। वो बाण उनके पास था जो अच्छे मुक्केबाज को जीतने के लिए होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा पंच उन्होंने किया था और फिर बेहतरीन पंच बाया हाथ से, बाया हो या दाया, जब भी पंच किया उन्होंने उस पे अंक जुटाए और यहां उन्होंने काफी झुंझलाट भर दी थी तुलाशबाई के और उनका कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता काफी भंग की थी भारतीय मुक्केबाज ने और बीच बीच में अच्छे पंच दिए। भारत के जितेंद्र कुमार ने उज़्बेकिस्तान के तुलाशबाई दनियारोव को 13-6 से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया।